नमस्कार, मैं हूं शक्रवार सुमंत और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा किसान नेता भानु प्रताप सिंह, देवराई गाजीपुर। गाजीपुर के सोवल थाना क्षेत्र के अंधेरी पुडेरा के पास आज सुबह एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तो मृतक की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन शव के कुछ ही दूरी पर गिरे मोबाइल से उसकी पहचान जमानिया कोतवाली क्षेत्र के बेटा बरकला निवासी धनंजय राय 55 वर्ष के रूप में हुई। धनंजय शनिवार को स्वयं घर से बाइक लेकर गाजीपुर के लिए निकले थे, लेकिन वो अंधेरीपुर डेरा के पास कब और कैसे पहुंचे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उनकी मृत्यु किस परिस्थिति में कैसे हुई यह भी जांच का विषय है। वही मृतक के पुत्र मृत्युंजय राय ने हत्या की आशंका जताया और प्रभारी निरीक्षक सोवल रविन्द्र पांडे ने बताया प्रथम दृष्टया गला रेत कर हत्या का मामला लग रहा है। प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार पांडे ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर कागजी खाना पूर्ति कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जा रहा है। बताते चले कि धनंजय राय लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही अच्छे छात्र नेता भी रह चुके हैं। इनके कुछ नशा के कारण वहां से ये वापस घर चले आए और यहां पर आज भी उसी हालत में थे। मेरे पिताजी की मौत हो गई है। कैसे? उनकी मार दिया गया है उनको। कैसे सूचना मिली आपको? पुलिस द्वारा। कब सूचना मिली? 7:30 बजे रात को। कब से ये लापता थे घर से? कल से। कहाँ गए? गाजीपुर। 18 को श्री मृत्युंजय राय समाज श्री धनंजय राय निवासी ग्राम बेटावर कला थाना जमानिया ने सूचना दिया कि मेरे पिताजी कल दिन में 10:30 बजे घर से गाजीपुर के लिए निकले थे और वो शाम तक लौट के नहीं आए। देर रात तक हम लोग इंतजार करते रहे। आज सुबह उनकी लाश ग्राम अधारीपुर जो रोड किनारे झाड़ी में मिली है, जिसके संबंध में जानकारी कराई गई वो इनके पिताजी की लाश थी और जिसके संबंध में मुकदमा थाना हाजापुर 302 IPC का दर्ज करके और पंचायतनामा जार करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अग्रिम जांच की जा रही है। सर, प्रथम दृष्टा क्या लगता है, किस तरह का मामला लगता है? चोटों के अनुसार तो इनकी गला रेत कर हत्या की गई है और जिस तरह से हत्या करके दूसरी जगह लाश फेंकी गई है उसमें आपको क्या लगता है, मतलब कि किस तरह का मामला है? जिस दशा में शव बरामद हुआ है, शव चित्र दशा में था, ये कहीं अन्यत्र हत्या करके लाश को वहाँ रखवा दिया गया है। ये मामला जब विवाद का विषय है तो परिजनों द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार की कोई रंजिश भी नहीं थी इनकी, इनके दो लड़के हैं